हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज है 10 सितंबर गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म दिवस। तो आज मैं वीडियो गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में ही लेकर आया हूं। यहां पर आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिससे आप गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में संपूर्ण जान जाएंगे। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? तो गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के शामली प्रति क्षेत्र में स्थित खूट धामस गांव में हुआ था। इनकी मां का नाम गोविंदी बाई, पिता का नाम मनोरथ पंत और दादाजी का नाम बद्रीदत्त जोशी था। पिता की अल्पायु में ही मृत्यु होने के कारण इनके दादाजी ने ही इनका लालन पालन किया। उसके पश्चात ये अल्मोड़ा जिले के रैमजे में ही इनकी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हुई। उसके बाद ही अल्मोड़ा के माध्यमिक विद्यालय में इनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई और इसके बाद यह 1905 में अल्मोड़ा छोड़कर इलाहाबाद कानून की परीक्षा पढ़ने चले गए। तो अगला प्रश्न भी यहीं पे है कि गोविंद वल्लभ पंत जी को उनके कॉलेज की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला? तो गोविंद वल्लभ पंत जी को उनके विश्वविद्यालय से कानून की परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर लैम्सडेन अवार्ड दिया गया। अब हम चलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी ने वकालत की शुरुआत कब की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1910 में वकालत की शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने अल्मोड़ा किया, फिर 6 महीने रानीखेत और उसके बाद यह कुछ दिन काशीपुर में रहे। काशीपुर कोर्ट 6 महीने काशीपुर में लगती थी और 6 महीने नैनीताल में लगती थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा लिया गया पहला मुकदमा कौन सा था? तो काशीपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति कुंज बिहारी लाल का मुकदमा गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा लिया गया। इस समय उन्हें उसके लिए 5 रुपये की फीस भी मिली थी। इनका वकालत करने का अपना ही एक अलग अंदाज था। अब हम बात करते हैं, प्रेम सभा के नाम से एक संस्था का गठन किसने किया? तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1910 में अपनी वकालत शुरू करी और उसके बाद सन 1914 में काशीपुर में ही इन्होंने प्रेम सभा नाम से एक संस्था की स्थापना की। यहाँ पर यह आंदोलन स्वतंत्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की? तो सन 1916 के सितंबर माह में हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह दड़मवाल, चंद्रलाल शाह, प्रेम वल्लभ पांडे, भोला दत्त पांडे, लक्ष्मी दत्त शास्त्री आदि उत्साहित युवकों के द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान। और सन 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कर दिया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कब किया गया? तो सन 1926 में किया गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व के कारण अंग्रेज काशीपुर को क्या कहते थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व के कारण अंग्रेज काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहते थे। अब हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी के राजनीतिक सफर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोविंद वल्लभ पंत जी असहयोग आंदोलन से भारत की राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। तो इन्होंने सन 1921, 1930, 1932, 1934 के अलग अलग स्वतंत्रता संग्रामों में लगभग 7 वर्ष जेल यात्रा की है। उसके बाद इन्हें 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहां पर मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक फिर यह उसी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे और भारतवर्ष के आज़ाद होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1954 तक यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अपनी कैबिनेट में गृह मंत्री बनाया। ये गृह मंत्री बने रहे 10 जनवरी 1955 से 7 मई 1961 और इसी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुमाऊं में सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह श्रेय भी गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत जी का उपनाम बताइए। तो गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमपुत्र भी कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? तो 26 जनवरी 1957 को गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तब यह तत्कालीन भारत के गृह मंत्री थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसे सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके केसी पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? तो केसी पंत जी के पिताजी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई? तो गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु 7 मई 1961 को नई दिल्ली में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उस समय यह देश के गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पुनीत अवसर पर गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा दिया गया संदेश क्या है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए और उत्तराखंड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा में कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।